हाँ मामले पर ट्वीट आया है। अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, डाक मतपत्रों की गड़बड़ी सामने आई है। बालाघाट के बाद अब उज्जैन में भी गड़बड़ी सामने आई। उज्जैन के कोठी पैलेस के स्ट्रांग रूम में रखे हुए डाक मतपत्रों की पेटी की सील टूटी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, डाक मतपत्रों की गड़बड़ी सामने आई। बालाघाट के बाद अब उज्जैन में भी, उज्जैन के कोठी पैलेस के स्ट्रांग रूम में रखे डाक मतपत्रों की पेटी की सील टूटी हुई मिली। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव कांग्रेस नेता गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि डाक मतपत्रों की गड़बड़ी फिर से सामने आई है बालाघाट के बाद अब उज्जैन में भी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि डाक मतपत्रों में गड़बड़ी हो रही है बालाघाट के बाद अब उज्जैन। आपने ठीक कहा, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है कि पहले तो कांग्रेस ने इस बात को लेकर सवाल खड़े किए थे कि आखिर डाक मतपत्र कहां रखे गए, इस बात की सूचना पार्टी को नहीं दी गई है और ना ही सब जो प्रत्याशी हैं उनको दी गई थी। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट की थी कि किस तरीके से जो डाक मतपत्र है वो रखे गए, लेकिन जिस तरीके से बालाघाट में जो घटनाक्रम सामने आया था कि जिस पेटी में डाक मतपत्र थे उसकी सील टूटी हुई थी, उसको लेकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करते हुए उसमें दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया था और लापरवाही मानी थी कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण काम में कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही मानी थी। और अब उसके बाद जिस तरीके से उज्जैन जिले की जो महेशपुर विधानसभा सीट है उसके जो डाक मतपत्र रखे थे जिस पेटी में, उस पर जो है वो सील टूटी पाई गई है। इस बात का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जारी किया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेता अरुण यादव की तरफ से, और कहा गया है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि लगातार जो डाक मतपत्र है उसमें गड़बड़ी के आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है और इस तरह के वीडियो सामने लाकर वो बताने का प्रयास लगातार कर रही है कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ी हो रही है। जी शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।